तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को लेकर खबर आ रही थी कि शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद संकला ने शो को अलविदा कह दिया है। हालांकि अब शरद संकला ने खुद इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस खबर को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वो शो को नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल शो के लेटेस्ट एपिसोड से अब्दुल की गैर मौजूदगी से ये अफवाह उड़ने लगी कि उन्होंने शो को अलविदा कह दिया है। ई टाइम्स के साथ खास बातचीत में शरद ने कहा कि उनके शो छोड़ने की खबर पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि शो की स्टोरी लाइन ऐसी है कि अभी मेरा किरदार वहाँ नहीं है, लेकिन वो जल्द वापस आएगा। वो स्टोरी लाइन का हिस्सा है। ये इतना प्यारा और लॉन्ग रनिंग शो है और मुझे मेरे किरदार की वजह से जाना जाता है, ये बड़ी उपलब्धि है। मैं शो क्यों छोड़ूंगा? मैं शो छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अब्दुल ने आगे कहा, नीला टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस मेरे परिवार जैसा है और प्रोड्यूसर असित मोदी मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं शो छोड़ दूंगा। जब तक शो चलेगा तब तक मैं उस शो का हिस्सा बना रहूंगा। आज के एपिसोड की बात करें तो गोकुल धाम के लोग बेसब्री से अब्दुल की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। गोली अब्दुल की वापसी के लिए प्रण लेता है कि जब तक अब्दुल वापस नहीं आएगा वो कुछ नहीं खाएगा। वहीं भिड़े परिवार अब्दुल की वापसी को लेकर प्रार्थना करेंगे। इसी बीच इंस्पेक्टर चालू पांडे का कॉल आएगा। कॉल से भिड़े को लगेगा कि अब्दुल मिल गया है, लेकिन चालू पांडे अकेले ही गोकुल धाम सोसाइटी में आएंगे। हालांकि एपिसोड के अंत में अब्दुल खुद से ही गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाएगा। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।